इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। झांसी के मोड में 132 केवी पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। झांसी जिले के मोड कस्बे में रोड पर बने 132 केवी के पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना तुरंत फायर सर्विस को दी गई। सूचना पर मोड CO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल कर्मचारियों और दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने के बाद कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं विद्युत विभाग के JE महेश्वरी ने बताया कि अचानक ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसके बाद सतर्कता दिखाते हुए आग को बुझा दिया गया और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पावर हाउस में फिलहाल नहीं हुआ है। दमकल विभाग के कर्मियों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने आग को देखा तो तुरंत विद्युत विभाग के JE को सूचना दी और लाइन को कटवा दिया, जिसके बाद आग को बढ़ने से पहले ही बुझा दिया गया। सर महेश्वरी दीन अवरवन तब क्या हो गया यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे आग लग गई है। यहाँ एक बस लाइन निकली हुई है पूंछ 33 के भी पूंछ, हाँ। और स्टेशन वाली सप्लाई, तो पता नहीं किस कारण से आग लगी है, पूरी जानकारी सही नहीं है, मतलब किससे चिंगारी गिरी हो सकती है। तो पीछे से लगी है चूंकि आग, तो किसी ने देखा, गार्ड वगैरह ने भी नहीं देख पाया है कोई। फिर कैसे आग बुझ गई है? एक गार्ड गया है अभी कॉलोनी में थोड़ा सा काम करने के लिए, तो उसने देखा है आग को। नहीं तो आग बुझ गई अभी कि नहीं? आग तो अभी फिलहाल सुचियाड में काबू है, हाँ। बाहर लगी हुई है थोड़ी सी, काबू में लग रही है। फिर आपने किसको सूचना दी इसकी? हमने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को सूचना दी और अपने सारे स्टाफ को एकत्रित किया। फायर ब्रिगेड आई मौके पर? हाँ, मौके पर फायर ब्रिगेड आई है। मोड से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।